एवरीवन, वेलकम टू कैनवस। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और साड़ी ड्रेपिंग वीडियो। और ये वीडियो है बंगाली साड़ी ड्रेपिंग के बारे में। और इसमें मैंने बहुत ही इजी वे में साड़ी को बंगाली स्टाइल में ड्रेप करके दिखाया है, क्योंकि मुझे भी ये स्टाइल काफ़ी डिफिकल्ट लगता था अभी तक। लेकिन इस तरह से पहन के मुझे लगता है ये बहुत ही इजी ड्रेप है, जिसको मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्राई कर सकती हूँ। तो आप भी देखिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और ये स्टाइल ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो सबसे पहले हमने बेसिक ड्रेप कर लिया है साड़ी का, और अब पल्लू बनाएंगे। पल्लू को हम एक राउंड घुमा के नहीं, सीधा हम शोल्डर पे रखते हैं इस स्टाइल में, और उसके बाद हम फ्रंट की प्लीट्स बनाते हैं। तो फ्रंट की प्लीट्स कुछ इस तरह से टकिंग करेंगे एक साइड से, फिर दूसरे साइड ले जाएंगे, फिर इस तरह से घुमाते हुए सारे फैब्रिक को हम टकिंग कर लेंगे, जितना भी हमें प्लीट्स बनाना है। ये स्टाइल बहुत ही इजी है और बहुत अच्छा भी दिखता है। तो अभी जितना भी हमें पल्लू के लिए फैब्रिक चाहिए उसको छोड़ के बाकी फैब्रिक को हम इस तरह से टक इन कर लेंगे। और अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम पीछे ले जाके टक इन कर लेंगे। टाइट करते हुए और अब प्लीट्स को, आंचल के प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे, और फिर शोल्डर पे पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। और फिर अपने दूसरी साइड से शोल्डर के नीचे से बाजू अपनी राइट हैंड के नीचे से निकालते हुए हम दूसरे शोल्डर पे पल्लू का दूसरा हिस्सा भी टक इन कर लेंगे। ये स्टाइल बहुत ही इजी है और बहुत कंफर्टेबल भी है। यहाँ पे एक शोल्डर पर पिन लगाएंगे, फिर प्लीट्स के जो दूसरे साइड से इस तरह से पल्लू को आगे लाके, ये वाला पोर्शन सॉरी किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया वीडियो में, बट प्लीट को पीछे से लाके हम काउल बनाते हुए आगे की तरफ दूसरे राइट शोल्डर पे हमने टक इन करना है। इसको टक इन नहीं करना है, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है, दैट्स इट। और अब इसको एक, आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आप जैसे मैंने एक वेस्ट चेन पहनी है इस तरह से एक वेस्ट चेन से डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर हम स्टाइल कर लेंगे कुछ गोल्ड ज्वेलरी के साथ, क्योंकि बंगाली साड़ी लुक विदाउट गोल्ड ज्वेलरी कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने पहना है एक छोटा सा नेकलेस, छोटा इसलिए पहना है क्योंकि ये साड़ी के पल्लू पे काफ़ी ज़्यादा गोल्डन वर्क है, तो अगर मैं बड़ा नेकलेस पहनती तो उसमें दिखता नहीं। तो मैंने छोटा सा चोकर सेट पहना है, गोल्डन ही मैंने दो कड़े पहन लिए हैं दोनों हाथों में, और एक वेस्ट चेन पहन ली है, दैट्स इट, आई एम रेडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।